इंडियन रसोई में बन रहा है पनीर टिक्का हरी चटनी के साथ। आइए चलकर रेसिपी देखते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ संध्या और आप सभी का स्वागत है संध्या इंडियन रसोई में। आज हम बनाएंगे पनीर टिक्का। आप देख पा रहे होंगे, इसके लिए मैंने लिया है ये पनीर। पनीर के ये मैंने इस तरह से क्यूब्स कर लिए हैं और ये मैंने शिमला ली हुई है। हम इसका मसाला तैयार करेंगे। ये हमने दही ले लिया है। अब हम इसमें डाल लेंगे भुना हुआ जीरा, एक चम्मच नमक, काला नमक, चाट मसाला, गरम मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च, इससे हमें कलर चाहिए इसलिए हम ये डाल रहे हैं, और इसमें ये भुना हुआ बेसन। इसमें हम डाल देंगे एकदम धुआंधार गरम किया हुआ सरसों का तेल और इसको हम मिक्स कर लेंगे। घोल हमारा गाढ़ा है इसलिए हम इसमें दही और डालेंगे। हम इसको हाथ से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें पनीर डालकर मिक्स करेंगे इस तरह से, आराम आराम से मिक्स करेंगे ऐसे ऐसे। लेमन जूस डाल देंगे। पनीर और शिमला अच्छी तरह से हमने मसाले में कोट कर लिए हैं। अब हम स्टिक में इस तरह से लगाएंगे। हम इस तरह से एक आलू का पीस लगा लेंगे। इस तरह से हम एक टुकड़ा पनीर का, फिर एक शिमला, इस तरह से हम स्टिक को तैयार कर लेंगे। इस तरह से हमारी स्टिक तैयार हो गई है। हमने आजू बाजू ये आलू के पीस लगा दिए हैं और इतनी जगह हमने रखी है जिसमें हम इसको पकड़ सकें, नहीं तो हमें सेकने में दिक्कत होगी, इसलिए हम एक और स्टिक तैयार कर लेते हैं। ये दोनों स्टिक हमारी अच्छी तरह से तैयार हो गई हैं। हम आपको तवे पर भी बनाकर दिखाते हैं अगर आपके पास स्टिक नहीं है तो। हम एक नान स्टिक तवा ले लेंगे और उस पर इस तरह से रख देंगे और इनको आराम आराम से पलटेंगे। इस तरह से तवे पर भी बनकर तैयार हो गया हमारा पनीर टिक्का। अब हम इसको निकालते हैं। अब हम ग्रिल को इस तरह से इस पर बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसका, पलट पलट कर हम इसको इस तरह से भूनेंगे और हम इसको थोड़ा ही भून कर रखेंगे। जब हम किसी को भी सर्व करेंगे तब हम इसको फिर से गर्म कर लेंगे। ये इस तरह से पलट पलट कर हम पूरा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसका। पनीर टिक्का बन करके हो गया है तैयार। ये जला जला सा जो स्वाद है ये बहुत ही अच्छा आता है। पलटते हुए हम इस तरह से तैयार हो गया है पनीर टिक्का, निकाल लेते हैं। हम तैयार है पनीर टिक्का सर्व करने के लिए। देखिए आप, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, वो बहुत टेस्टी बना है। जब भी हम सर्व करें तो इसको फिर से गर्म कर दें और ये बहुत अच्छा लगेगा। और ये हमने आपको तवे पर बनाकर दिखाया था, ये भी बहुत ही टेस्टी बना है हमारा पनीर टिक्का। आप भी इसी तरह से पनीर टिक्का बनाइए, खाइए और बच्चों को खिलाइए। बच्चे बहुत ही खुश होते हैं पनीर टिक्का खा करके, ये बहुत टेस्टी बना है। और आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है, आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगली किसी रेसिपी में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।